नमस्कार, आज मैं आपको बहुत ही अच्छी सी टिप्स बताने जा रही हूँ जिससे कि आपका जीवन बहुत ही खुशहाल हो जाएगा, यानी कि आपकी जिंदगी में बहुत ही खुशहाली आ जाएगी। बस कैसे? एक अच्छी और गहरी नींद के द्वारा। देखिए, नींद में आप बहुत ही सकारात्मक और नकारात्मक चीजों को बढ़ा सकते हैं, और एक अलार्म से जागना जीवन जीने का सही तरीका नहीं है। देखिए, आप में से कितने लोग सुबह उठने के बाद बेवजह बुरा महसूस करते होंगे, कभी कभार महीने में या साल में 2-3 बार होता होगा, और इसमें आपको करना क्या है? बस एक छोटी सी चीज करनी है सोने से पहले, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें क्या, देखिए, सब कुछ कुशलता से नहीं होता, कुछ रुकावटें आपको जरूर आएगी, बट इसको करने के बाद आप बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट टिप्स मैं आपको बताने जा रही हूँ, उसमें आपको करना क्या है कि रात को सोने से पहले, अगर रात के समय अगर आप कोई हैवी फूड ले रहे हैं, या कोई मांस, मछली, अंडा या कोई भी हैवी फूड कुछ आप ले रहे हो, तो कोशिश बस ये करना है कि सोने से आपको 3 घंटे पहले भोजन लेना है। अगर आप जितना लेट भोजन करोगे, उससे क्या होता है कि हमारी जो पाचन क्रिया होती है वो काफी कमजोर हो जाती है, जिससे कि हमारा खाना पच नहीं पाता, और खाना पचने की ना वजह के कारण भी हमें नींद सही ढंग से नहीं आती। तो इसमें क्या, एक तो आप अपना समय पे भोजन करें, और रात को जब आपने सोना है तो सोने से कुछ समय पहले आप हल्का सा पानी पिए, उससे भी आप अपना काफी हल्का महसूस करेंगे। इसके बाद आप एक और अच्छी सी टिप्स को फॉलो कर सकते हैं, वो क्या है, नंबर 2, रात के समय स्नान करना। अगर रात के समय सोने से पहले अगर आप स्नान करके सोते हैं, तो उससे भी आप ऑब्जर्व करोगे कि आपको जो नींद आ रही है वो बहुत ही अच्छी आ रही है। देखिए, इस मौसम में रात को नहाना कोई आसान काम नहीं है। एक अच्छी सी टिप्स है, रात को सोते समय आप गुनगुने पानी से भी नहा सकते हैं। गुनगुने पानी से नहाने से क्या, एक तो आपको सतर्क सी रहती है, मतलब कि लाइक अच्छा सा बॉडी रहती है, फील अच्छा होती है आपको, लाइक फ्रेशनेस सी फील होगी, आपको कोई टायर्डनेस महसूस नहीं होगी। जरूरी नहीं है कि स्नान करने से हमारे शरीर की गंदगी निकलती है, आप एक चीज महसूस करोगे कि स्नान करने के बाद आपके शरीर में काफी ताजगी सी भी महसूस आती है। जब वो ताजगी महसूस होगी, उसके बाद जब आप सोने जाओगे, तो उससे भी आपको काफी गहरी नींद और अच्छी नींद आएगी। इससे कि आप ये महसूस करेंगे कि आपके रूप में ऐसी पॉजिटिविटी महसूस होगी, और वहीं उसके 10 से 15 मिनट में अगर आप सोना चाहेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी नींद आएगी। अगर इसके अलावा आप कुछ मंत्र का अभ्यास भी कर सकते हैं, चाहे गायत्री मंत्र का अभ्यास कर सकते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का अभ्यास कर सकते हैं सोने से पहले, या आप किसी भी अपने गुरुजन जिसको भी मानते हैं उसका भी मंत्र का आप अभ्यास कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ आप योगा अभ्यास भी कर सकते हैं सोने से पहले, कुछ योगा कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, लोम विलोम कर सकते हैं, इससे भी आपकी बॉडी काफी रिलैक्स होगी और आपको बहुत ही अच्छी नींद आएगी। इसके बाद एक और मैं आपको टिप्स बताऊंगी कि रात को सोने से पहले आपको और कौन से टिप्स को फॉलो करना चाहिए जिससे कि आप अपनी हेल्थी और अपना स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकते हैं। देखिए, जब भी हम सोते हैं तो हमें वास्तु के अकॉर्डिंगली भी हमें इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। वो कैसे, जब भी हमें सोना है तो हमारा जो सिर है वो उत्तर दिशा की तरफ नहीं होना चाहिए। इसका भी एक बहुत बड़ा लॉजिक है। देखिए, उत्तर दिशा की तरफ जब हम सिर रखकर सोते हैं तो हमारे शरीर का जो खून है, रक्त संचार है, वो बहुत तेजी से हमारे दिमाग की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। जब वो तेजी से दिमाग की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही फास्ट हो जाती है, तो हमें नींद सही ढंग से नहीं आती। इसके अलावा आप किसी भी डायरेक्शन में अपना सिर रखकर सोए तो आप ऑब्जर्व करोगे कि आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। अगर आप उत्तर दिशा की तरफ सिर रखकर सोते हैं, अगर आपकी उम्र ज्यादा है, शरीर में किसी तरह की कोई कमजोरी है, तो रात को सोते समय ही आपकी मृत्यु भी हो सकती है। उसका रीजन क्या है कि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है, जब आप लेटते हैं तो सारा ब्लड सर्कुलेशन आपके दिमाग की तरफ जाता है। जब दिमाग में जाएगा तो खून एकदम से दौड़ता जाएगा, तो आपके ब्रेन में लग, यानी कि हैमरेज भी हो सकता है। और जो हमारे ब्रेन में नसें होती है वो बिल्कुल बाल की जैसी होती है, मतलब बहुत पतली होती है, तो वो रक्चर होने का भी डर रहता है, तो यहाँ तक कि आपका मृत्यु तक भी हो सकती है। तो आपको कोशिश बस यही करनी है कि हमें जब भी रात को सोना है तो उत्तर दिशा की तरफ सिर रखकर नहीं सोना। ये पर्टिकुलर उन लोगों के लिए जो भारत में रहते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में साइड में लोग रहते हैं तो उनकी डायरेक्शन अलग रहती है। इसके बाद एक बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी, अगर आप अपना हेल्दी जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। देखिए, आप अपने मन में ये सोचिए कि अपना श्वास है, अपना जीवन सार्थक रूप से जिए। देखिए, अगर आप रात को सोते हैं, सोने जाते हैं अपने बेड पर, तो आप अपने जब बेड पर बैठते हैं अपना ये सोच के सोचोगे कि ये आपकी मृत्यु शय है, कि आपने उस 1 मिनट में क्या किया, पूरे 24 घंटे में क्या किया, पीछे मुड़कर देखें, इन सब चीजों को कैलकुलेट करके देखें कि आपका आने वाला दिन कैसा होगा, या सारा दिन में आपने क्या किया। तो अगर इस सब चीजों को अगर हम लोग सार्थक वे से जिएंगे, पॉजिटिव वे से जिएंगे, तो भी आपको नींद बहुत अच्छी आ सकती है। इसके अलावा आप एक बहुत ही अच्छी ध्वनि के साथ भी सुबह अपनी जागृत कर सकते हैं। वो कैसे,
हम लोगों को नॉर्मली रूटीन ये रहती है कि सुबह उठे, अपने फोन में अलार्म लगाया, एकदम से अलार्म बजा और हम एकदम से जाग उठे। ये हमारी हेल्दी सुबह नहीं होती। एक अच्छे से ध्वनि के साथ सुबह उठे और जरूरी नहीं कि अलार्म से जागना शुरू हो। अगर आपको 8 घंटे की नींद चाहिए या इससे ज्यादा चाहिए तो रात को थोड़ा सा जल्दी सोने की अपनी आदत बनाइए और सुबह जल्दी उठे। जल्दी उठने के बाद अगर आपको लगता है कि आपको अभी भी नींद आ रही है तो एक छोटी सी टिप कर लीजिए कि हाथों के हथेलियों को इस तरह से रगड़ना है। इस तरह से रगड़ने के बाद आपको जो हाथों की हथेलियों में गर्माइश आ जाती है यानी कि थोड़ी गर्म हो जाती है, उसको अपनी आंखों पे इस तरह से अप्लाई करना है। जरूरी नहीं कि हमें कहा जाता है हाथों की हथेलियों को रगड़ो, उसकी तरफ देखो, आपको भगवान नजर आएगा, ऐसा नहीं होता। हाथों की हथेलियों को रगड़ने से आंखों से लगाने पे आपके शरीर में ऊर्जा सी आती है। जब वो ऊर्जा आपको मिलेगी और आप खुद महसूस करोगे कि आपकी एकदम से नींद उड़ जाती है और आपको नींद नहीं आएगी। और सेकंड चीज क्या करनी है, जब भी आपने उठना है हमेशा लेफ्ट हैंड साइड को टर्न लेकर ही आपने उठना है। क्यों? क्यों हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे हार्ट है और हार्ट का काम क्या होता है, हृदय का पूरा पंपिंग करना, ब्लड की सर्कुलेशन करना। जब हम लेफ्ट हैंड साइड को उठे, अपना जब हम बेड पे अपना बैठे तो हाथों की हथेलियों को रगड़ के आंखों पे लगाएं और वही हाथों की हथेलियों को रगड़ के अपने पेट पे लगाएं। इससे क्या, एक तो आपकी ऊर्जा आएगी और आपका मेटाबॉलिक सिस्टम बहुत इंप्रूव्ड होगा। आपको जितनी पेट की समस्या है, आंखों की समस्या है, इन सब चीजों से भी आपको काफी चेंजेस आएंगे। और रही बात नींद की, उस चीज में तो मैंने आपको काफी अच्छे टिप्स भी बताए। अगर ये छोटे छोटे टिप्स आप डेली रूटीन में फॉलो करो तो आपको अलार्म से जागने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और आप अपना जीवन देखेंगे वो बहुत ही अच्छा जीवन जी सकेंगे। देखिए, अगर आप आज सो रहे हैं तो आपको क्या गारंटी है कि आप कल उठेंगे? जब आप कल सुबह अगले दिन जब आप उठेंगे तो 2.5 लाख लोग इस जीवन में मृत्यु में चले जाते हैं प्राकृतिक मृत्यु की वजह से। और अगर आप अपना हेल्दी सुबह में उठ रहे हो तो आपको उस चीज की खुशी मनानी चाहिए। तो आप खुशी कैसे मनाएंगे? बस एक छोटी सी अपनी मुस्कान लेकर आनी अपने चेहरे पे और मन में अपने भगवान को धन्यवाद बोलना है कि हमारी सुबह बहुत अच्छी हुई। देखिए, इस संसार में जितने लोग गए, 2.5 लाख लोग गए, उनके आगे परिवार वाले वो तो चीज उनका अफसोस मना रहे और उनके साथ जिसने जाना था वो तो चला गया, वो वापस नहीं आएगा। अगर आपको अच्छा जीवन महसूस करना है तो आपको एक मुस्कुराना है और अपने आसपास सबको धन्यवाद बोलना है। ये थी हमारी आज की एक हेल्दी सी टिप्स, जिससे कि आप अपनी गहरी नींद से कैसे अपने आप में बदलाव ला सकते हैं और अपनी डेली रूटीन को कैसे चेंज कर सकते हैं। देखिए, अगर हम इसी दिनचर्या यानी कि इसी रात्रिचर्या के अकॉर्डिंग भी हम अपनी बॉडी का सिस्टम बनाएं, जल्दी सोने की कोशिश करें और जल्दी उठने की कोशिश करें, तो हमारे शरीर में जितनी भी बीमारियां बन रही है उन सब चीजों का समाप्ति हो जाएगी और आप किसी भी तरह की बीमारी से ग्रस्त नहीं हो पाएंगे। और जिस तरह की मैंने बताया, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, उन सब चीजों को दूर करने के लिए आप बस अपने पीछे मुड़कर देखेंगे कि आज आपने क्या किया, इस 24 घंटे में आपने क्या ऑब्जर्व किया। रात को जब आपने अपने शैया पर जाना है यानी कि बेड पर जाना है तो ये चीज सोचे कि हमारी ही मृत्यु शैया है तो हमारा यही सब कुछ है, अब भी जो करना है वो करना है, कल क्या पता आए या ना आए। कल की टेंशन मत लीजिए, जो भी जीना है प्रेजेंट के लिए जिए और जिससे कि आप अपना हेल्दी स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। तो इसी से हमारा एक आयुर्वेद का प्रयोजन रहता है, स्वस्थ से स्वस्थ रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम। धन्यवाद।